दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सुबह 5 बजे गजा के ऊपर बड़ा हमला कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, गौर से सुनिए कि गजा के ऊपर इजराइल ने सुबह 5 बजे एयर स्ट्राइक कर दी है और ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से गजा के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में की गई है। और मैं आपको सीधा बताता हूं कि इस एयर स्ट्राइक के अंदर इस्लामिक जहाद के जो आला कमांडर थे और जो इनके फौजी थे, कुल मिलाकर इन हमलों में 10 शहीद हुए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इजराइल ने ये बदला जो हमास ने गजा से 100 मिसाइल दागे थे, जिसके बाद इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था फेल हो गया था, उसका बदला लिया है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इस हमले की जो अप्रूवल है वो खुद नेतन्याहू ने दी है। नेतन्याहू ने ही अपनी एयरफोर्स को हुक्म दिया और अहम ठिकानों की निशानदेही करने के बाद वहां पर नेतन्याहू ने रात को सोते हुए फलस्तीनियों के ऊपर एयर स्ट्राइक करवा दी, जिसके नतीजे में जहाद इस्लामी के आला कमांडर और फौजी 10 शहीद हो गए। अगर मैं आपको इस हमले के बारे में मजीद बताऊं तो आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने इन हमलों के अंदर बच्चे और औरतों को भी निशाना बनाया। और आपको ये भी बता दें कि 2023 का सबसे बड़ा इजराइल की तरफ से इस्लामी जहाद के ऊपर ये हमला है, जिसके बाद इस्लामी जहाद के लोगों की हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई दिखाई दी। आपको ये भी बता दें कि हमलों के अंदर जख्मियों और जानबहक होने वाले अफराद की तादाद बढ़ भी सकती है। फिलहाल ये खबर आई है कि 10 इस्लामी जहाद के लोग शहीद हुए हैं इस हमले के अंदर। गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के बाद इजराइल ने भी ये ऐलान जारी किया है कि ये हमले का जो प्लान है हमने पहले से ही तैयार कर रखा था। और साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि जो हमारे ऊपर 100 रॉकेट हमास और जहाद इस्लामी की तरफ से दागे गए थे, ये इजराइल ने आज इन इस्लामी जहाद के लोगों को मार कर पूरा कर लिया है। दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि इस इजरायली हमले के बाद अब इस्लामी जहादी और हमास भी फिर से इजराइल के ऊपर कोई बड़े हमले कर सकते हैं। अगर इजराइल के ऊपर ऐसा होता है तो इजराइल के अंदर भी हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई दिखाई देंगी और उनको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि इजराइल इस वक्त इंतहाई खतरनाक मोड़ पर मौजूद है, क्योंकि इजराइल के अंदर सियासी बहरान और सिक्योरिटी का बहरान भी पड़ा हुआ है। इनकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि हिजबुल्ला के रहनुमाओं और हमास के रहनुमाओं, इतना ही नहीं ईरान के जो आला लीडर हैं, उनका भी कहना है कि इजराइल इस वक्त मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। अगर इजराइल के ऊपर चारों तरफ से हमला होता है या फिर गजा से हमला होता है तो इजराइल इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों लाजमी शेयर कीजिए।